आपके साथ। बिजनेस टाइकॉन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट से शादी कर ली है। यह शादी भव्यता, प्री वेडिंग सेरेमनीज, इंटरनेशनल मेहमानों की मौजूदगी और खर्च के चलते सुर्खियों में है। मुंबई में अनंत और राधिका अंबानी की शादी के भव्य जश्न की तस्वीरें अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि लंदन में पोस्ट वेडिंग इवेंट्स की तैयारियां हो गई हैं। परिवार के सदस्य लंदन पहुंच गए हैं। इसके लिए 300 एकड़ में बना अंबानी का महलनुमा स्ट्रोक पार्क, कंट्री क्लब एंड होटल सितंबर तक बुक कर लिया गया है। मुकेश अंबानी ने 2021 में 592 करोड़ रुपए में से खरीदा था। स्ट्रोक पार्क का निर्माण 1066 में हुआ था और 1760 में ख्यात डिजाइनर जॉन पेन ने इसे रीडिजाइन किया था। इसके बाद यह ब्रिटिश राजघरानों का पसंदीदा बन गया। 1581 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम यहाँ पर रहती थी। 1908 में स्ट्रोक पार्क लीजर और स्पोर्ट्स के लिए कंट्री क्लब में बदल गया। प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स डिजाइनर हैरी गोल्ड ने यहाँ 27 होल वाला गोल्फ कोर्स बनाया। विंबलडन से ठीक पहले होने वाली बूडल्स टेनिस चैलेंज की मेजबानी स्ट्रोक पार्क करता है। नडाल से जोकोविच तक यहाँ खेल चुके हैं। जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म गोल्डफिंगर और टुमारो नेवर डाइज की शूटिंग यहाँ हुई थी। रेनोवेशन के बाद इसकी भव्यता बढ़ गई है। इस संपत्ति का कमर्शियल इस्तेमाल ही कर सकते हैं। फिलहाल 2 माह के लिए 850 गोल्फ क्लब में मेंबर्स की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके चलते विवाद भी हुआ। 2 माह तक इवेंट्स का सिलसिला चलेगा। पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन और प्रिंस हैरी समेत कई अंतरराष्ट्रीय और भारतीय हस्तियां पहुंचेंगी। विराट कोहली और सैफ अली भी परिवार के साथ शामिल होंगे। स्ट्रोक पार्क होटल में 50 आलिशान कमरे, 3 बेहतरीन रेस्टोरेंट, 13 टेनिस कोर्ट, 4000 वर्ग फुट का जिम, 1 फिटनेस सेंटर, इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल और 27 होल चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स हैं। अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को मुंबई से जियो वर्ल्ड सेंटर में राधिका मर्चेंट से शादी की है। दोनों बीते लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। शादी से पहले मार्च 2024 में जामनगर में कपल की पहली प्री वेडिंग सेरेमनी हुई थी। इसके बाद मई में कपल ने इटली के क्रूज में सेकेंड प्री वेडिंग सेरेमनी रखी थी। कपल की शादी के फंक्शन 3 जुलाई से शुरू हुए थे। सबसे पहले मामेरू रस्म हुई, फिर 6 जुलाई को संगीत सेरेमनी रखी गई। कपल की संगीत सेरेमनी में जस्टिन बीबर ने परफॉर्मेंस दी थी। इसके बाद 8 जुलाई को हल्दी सेरेमनी और 10 जुलाई को मेहंदी सेरेमनी हुई। 12 जुलाई को हुई शादी में अनंत अंबानी घर एंटीलिया से बारात लेकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे थे। शादी के अगले दिन 13 जुलाई को आशीर्वाद सेरेमनी रखी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अध्यात्म गुरु कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।